हालात ऐसे है ही नहीं है कि हम उनके साथ मैच होए, ये तो मैच का मैं तो बिल्कुल कश्मीर में जाकर देखा मैच होता कैसे, वहाँ पर हिंदुओं का तो जीतेगा भी तब भी हिंदू मरेगा, जब हारेगा पाकिस्तान तब भी हिंदू मरेगा। मानना है कि पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता हो, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। तो ना, मैं कह रहा हूँ इंडिया का कोई भी कंट्री उसके साथ ना खेले, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। हम उसको दुश्मन कंट्री लेके चलते हैं, जब भी वो देखो कि उसने पीठ के पीछे छुरा ही घोपा है हिंदुस्तान के। 2020 वर्ल्ड कप की जो सीरीज है वो चल रही है और उसी सीरीज के बीच में 24 अक्टूबर को दुबई के एक स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो कई सारे लोग इसके ऊपर अपना रोष भी दिखा रहे हैं। जम्मू के बीच में कई सारे प्रदर्शन किए गए जिसमें बजरंग दल और कई सारी और ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ इसे अपोज कर रही है और उनका कहना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। आज हमने जम्मू की जनरल पब्लिक से बात की, उनका किस तरह का रिएक्शन है और किस तरह का टेक है देखिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुमित जी, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है ये किस बिहार बेस पे होना चाहिए? आज आप देखो आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हर दिन भेजा जा रहा है। पुंछ में देखो अब कितनी पाकिस्तान की तरफ से वारदातें हुई हैं, कितने आतंकी हमारे हिंदुस्तान की तरफ भेजे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता हो, उसको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तिरंगे झंडे का सम्मान करने वाले लोग हैं। और रही बात मैच की, मैच जो क्रिकेट मैच है या कोई भी गेम हो, वो एक जेंटलमैन की गेम होती है। जिस गेम में वो शख्स जाता है जिसको अपने कैरियर में एक उसकी सोच होती है, वो अपने सेहत की तरफ ध्यान देता है और नशे से दूर होता है। आप इसके साथ देखें कि पाकिस्तान ने आज तक कितनी रास्ते हिंदुस्तान के साथ खोले हैं, जिनके थ्रू ड्रग्स की तस्करी जो है कितने बड़े लेवल पे हो रही है। हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, आए दिन ड्रग्स कितनी पकड़ी जाती है। ये जो है ये नार्को टेररिज्म का खेल एक तरफ से आप पाकिस्तान खेलता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की बात करती है, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान के साथ मैच टोटली बंद होना चाहिए। मेरा राकेश शर्मा है सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे होना चाहिए? अगर आपने कश्मीर में जाकर जिस दिन मैच होता है, अभी कभी कश्मीर में जाकर देखा मैच होता कैसे, वहाँ पर हिंदुओं का तो जीतेगा भी तब भी हिंदू मरेगा, जब हारेगा पाकिस्तान तब भी हिंदू मरेगा। वहाँ पर इतना होता है कि मैच वाले दिन कत्लेआम होते हैं वहाँ पर, और हमें इसके साथ मैच क्यों खेलना चाहिए? इसको बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए इसके साथ, जैसे हमारे देश में ये करता है। मेरा नाम राजेश शर्मा सर। सर इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखो पुंछ में जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, वो भी वहाँ से ही आ रहे हैं, सारे मिलिटेंट वहाँ से ही आ रहे हैं। और श्रीनगर में भी देखो जो ये अपने कितनी किडनैपिंग हो रही है, वहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, वहाँ पर मारे जा रहे हैं, विदेशी बेचारे मारे जा रहे हैं, बिहार के लोग मारे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनकी पी प्लानिंग है। तो अभी हालात ऐसे है ही नहीं है कि हम उनके साथ मैच होए, ये तो मैच का मैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ कि मैच होना नहीं। कुमार अनुभव जी, 2020 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, हालांकि 24 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए, कई कह रहे हैं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो जो बॉर्डर जो पुंछ में जो हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हो रहे हैं, जो कश्मीर में जो आम जो बाहर के लोग जो है मारे जा रहे हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट क्या मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, मैं कह रहा हूँ इंडिया का कोई भी कंट्री उसके साथ ना खेले क्रिकेट। 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का 2020 जो मैच है वो होने जा रहा है, क्या कहेंगे कि आप वो मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मैं तो एक बड़ा कम सोच वाला इंसान हूँ जो बिल्कुल ही नहीं जानता कुछ भी, उससे भी पूछोगे तो वो भी कहेगा कि पाकिस्तान से हमारा मैच नहीं होना चाहिए। जब एक हम उसको दुश्मन कंट्री लेके चलते हैं, जब भी वो देखो कि उसने पीठ के पीछे छुरा ही घोपा है हिंदुस्तान के, आज देख लो हमारे इनोसेंट कश्मीरी पंडित जो बाहर से आए हैं काम करने के लिए वो मार रहे हैं जिन लोगों को, और उसके बाद जो फौजी हैं वो मर रहे हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत गलत बात है। जो वो गवर्नमेंट अगर करवाती है तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ उठी हुई है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इस मैच के ऊपर।
बिल्कुल ही रद्द होना चाहिए।